भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते राधा गोविंद गोस्वामिनिति नामिने नमस्ते प्रभुपादे देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी ग्राम्यजन सितारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। इस अजामिल की आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। यह एक बहुत ही पावन कथा है। इस कथा में भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की नाम की महिमा का वर्णन किया गया है, भगवान नाम का बखान किया गया है कि यदि कोई किसी भी प्रकार से भगवान का यदि नाम अपने जिह्वा पर लेकर आए तो सब प्रकार से उसका कल्याण होता है। भगवान की सभी कथाएं पतितों को पावन करने वाली हैं, भक्तों के हृदय में भगवान के प्रति अक्षुण्ण श्रद्धा को उत्पन्न करने वाली हैं। ऐसा कहा गया है शास्त्र में, शणवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदयंतः स्थो हेभद्राणी विधनोति सुहृत सताम श्रणवताम स्वकथा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की किसकी स्वकथा कृष्ण। भागवतम में प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा गया है कि श्रणवताम स्वकथा कृष्ण, नाम भी दिया गया है कि किसकी कथाएं सुनना है, स्वकथा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को सुनने से श्रवण करने से यह जीवन में आनंद का वर्धन करती है। पुण्य श्रवण कीर्तन, भगवान श्री कृष्ण की कथाओं को कहना, कीर्तन करना, कहना और श्रवण करना, ये दोनों ही पुण्य प्रदान करने वाले हैं। यहाँ पर पुण्य का अर्थ कर्म कांड्य से नहीं लेना चाहिए, जैसे कोई दान कर दे तो पुण्य की प्राप्ति होती है, भूखे को भोजन करा दे तो पुण्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर पुण्य का अर्थ है भक्ति का संचार। यदि कोई भगवान की कथा को सुनता है, भगवान की कथा को कहता है,
तो उसके जीवन में भक्ति का संचार होता है। यह पुण्य भक्तिवाचक है। हृदयंतः स्थो है भद्राणि। कुछ साइड इफेक्ट भी होता है, वो क्या है? हृदयंतः, हृदय के अंदर के जितने भी अभद्र हैं, अभद्र का अर्थ है अमंगल, पाप करने की इच्छाएं इत्यादि, विधुनोति, विशेष रूप से उसकी सफाई हो जाती है। विशेषेण रूपेण धुनोति विधुनोति, विशेष रूप से सफाई होती है। यदि कोई भगवान श्री कृष्ण की कथा का श्रवण करता है और कहता है विधुनोति सुहृत सताम, और सताम अस्तो माम सद्गमय, मनुष्य अंधकार से निकलकर प्रकाश की तरफ प्रवेश करता है, असाधु से साधु बन जाता है, एक असत से अच्छा व्यक्ति बन जाता है। इसलिए जीवन भर निरंतर ये हर किसी का कर्तव्य है। केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि ये हर व्यक्ति को करना ही चाहिए। क्या करना चाहिए? भगवान की कथाओं को कहना चाहिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए। तो चलिए, पतितों का पावन करने वाले भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम और भगवान के नाम का बखान करने वाली कथाओं को सुनते हैं। उस कथा में एक कथा है, अजामिल की कथा। आप सभी ने अजामिल का नाम सुना होगा, हो सकता है इस कथा को भी पहले सुना हो। इस कथा को जितने बार सुनते हैं उतना अधिक आनंद आता है, आनंद का वर्धन होता जाता है। इस कथा को श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद में रखा गया है और इस कथा में भगवान के द्वारा दिए गए संरक्षण का वर्णन है। हम लोग सुनते हैं बारंबार, इस बात को जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम में 10 विषयों का वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। ये 10 विषय हैं। पूरे श्रीमद् भागवतम में इन 10 विषयों का बखान किया गया है। तो अजामिल की कथा में पोषण और संरक्षण का विशेष रूप से वर्णन है। भगवान किस तरह से अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, किस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का पोषण करते हैं, इस बात की व्याख्या की गई है। जो कथा को कहने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण, नंद नंदन के अवतार सुखदेव गोस्वामी, और कथा का श्रवण करने वाले हैं परीक्षित महाराज, जो जीवन के अंत में कुछ ही दिनों के बाद जो अपना देह त्याग कर देंगे, वो इस कथा का श्रवण कर रहे हैं पूर्ण मनन के साथ, भगवान का चिंतन करते हुए और कथा का रसास्वादन करते हुए। उनके मन में ये भाव नहीं है, बार बार ये याद नहीं आ रहा है कि कुछ दिनों के बाद हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। तो किसी प्रकार का डर इत्यादि उनके मन में नहीं है। वो तो भगवान की कथाओं का रसास्वादन कर रहे हैं, उसमें इतने निमग्न हैं कि मृत्यु की तो उन्हें तनिक भी परवाह नहीं है। राजोवाच, परीक्षित महाराज इस प्रकार से प्रश्न करते हैं कथा को सुनते सुनते। श्रीमद् भागवतम का 5वां स्कंद उन्होंने सुना, जिनमें अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन है। उस वर्णन को सुन के साधु हृदय के कारण
कारुणिक हृदय होने के कारण वे इस प्रकार से सोचने लगे कि जीवों को नरक में जाना पड़ेगा, पापी जीवों को इतने कष्ट सहना पड़ेंगे, अपने पापों को भुगतना पड़ेगा। इसलिए उनके हृदय में करुणा उत्पन्न हो आई और वे प्रश्न करते हैं। श्रीमद् भागवतम का छठवां स्कंध प्रथम अध्याय और श्लोक नंबर 9 में ऐसा प्रश्न करते हैं, कहते हैं कि दृष्ट श्रुताभ्याम यत पापम जानन अप्यात्म मनोहितम करोति भूयो विवसः प्राश्चित्तमथो कथम। कुछ लोग दृष्ट देखते हैं कि अरे उस व्यक्ति ने इस प्रकार का पाप किया तो उसको जेल में डाल दिया गया, उसको बहुत प्रकार से टॉर्चर किया गया जेल में, बहुत प्रकार से सजा दी गई जेल में, तो इस प्रकार से देखकर वो लोग पापों से दूर रहते हैं। कुछ लोग सुनकर, जब विद्वान जनों से सुनते हैं, दूसरे लोगों से सुनते हैं कि पाप करना ये अच्छी बात नहीं है, पाप करना गलत है, और यदि कोई पाप करता है तो निश्चित रूप से उसकी सजा दी जाती है। इस संसार में भी सजा दी जाती है, जेल में डाल दिया जाता है, और मरने के बाद तो निश्चित रूप से नरक में यमदूत वेट कर रहे हैं सजा देने के लिए। तो सुनकर भी कुछ लोग पाप से दूर रहते हैं, पाप नहीं करते हैं। दृष्ट श्रुताभ्याम जत यत पापम, पापों से दूर रहते हैं। जानन अप्यात्म मनोहितम, और कभी कभी कुछ लोग इस बात को जान लेते हैं, अर्थात पाप करके देख लेते हैं, और जब पाप करने की उनको सजा मिल जाती है तो सजा मिलने के बाद उससे दूर रहते हैं कि अरे इससे अहित ही होता है, ये पाप करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन करोत भूयः विवशः, कभी कभी ऐसा होता है कि देखने के बाद, सुनने के बाद, पाप कर्म के फलों को भुगत लेने के बाद भी मनुष्य पाप कर बैठता है, आत्म मनोहितम, अपना अहित कर बैठता है। करोत भूयः विवशः, पुनः विवश होके पाप कर बैठता है। तो ऐसे प्रायश्चित से क्या लाभ, ऐसे अटोनमेंट से क्या लाभ, इस बात को कौन कहता है? परीक्षित महाराज, जो एक बहुत बड़े राजा हैं, बहुत लोगों को पाप की सजा दे चुके हैं और संसार में देख चुके हैं कि लोग जानिया सुनिया विस्खाइनो, सुनकर देखकर भुगत कर फिर से लोग पाप करते हैं। तो इसलिए परीक्षित महाराज इससे प्रसन्न नहीं है, तो कहते हैं कि ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ। 10वें श्लोक में क्वचिन निवर्तते अभद्रात क्वचित चरति तत्पुनः प्रायश्चित्य मनोपार्थम मन्ने कुंजर सोचवत। ऐसे प्रायश्चित्य की तुलना परीक्षित महाराज हाथी स्नान से करते हैं। क्वचिन निवर्तते अभद्रात, कभी कभी मनुष्य अभद्रों से, पापों से निकल जाता है, उसके हृदय में इच्छा नहीं होती है कि वो पाप करें। कभी कभी कोई अच्छा कार्य में लग के, लोगों से अच्छी बातें सुनकर, अटोनमेंट को करने के बाद क्वचिन निवर्तते अभद्रात लोग पापों से निकल जाते हैं, निवर्तते हो जाते हैं, लेकिन क्वचित चरति तत् पुनः, लेकिन कभी कभी दोबारा उन पापों में लग जाते हैं, ऐसा देखा जाता है, अधिकाधिक देखा जाता है। अगर किसी में भगवान की भक्ति नहीं है
तो लोग इस प्रकार से दोबारा पापों में लग जाते हैं। अब देख लीजिए, क्रिश्चियन धर्म का पालन करने वाले लोग हर संडे जाते हैं चर्च में और जाके भगवान के सामने कन्फेस करते हैं कि उन्होंने क्या क्या पाप किए हैं। तो संडे गए जाके अपने पापों का को कन्फेस किया और मंडे से फिर वही काम करना शुरू, फिर से शराब पीना शुरू, फिर से जुआ खेलना चालू कर देते हैं, फिर से अवैध स्त्री संग करना चालू कर देते हैं, फिर से चोरी करना, फिर से झूठ बोलना पुनः शुरू कर देते हैं। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ, ऐसे कन्फेस करने का क्या लाभ, प्रायश्चित मन्योपार्थम। तो प्रायश्चित मत्थो, इस तरह के प्रायश्चित को मैं ठीक नहीं मानता हूँ, अपार्थम, इसे व्यर्थ मानता हूँ। मन्ने कुंजर सोचवत, ऐसा कौन कह रहे हैं? ऐसा परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि मैं इसे अच्छा नहीं मानता हूँ, मैं इसे कुंजर सोचवत मानता हूँ, हाथी के स्नान करने के समान मानता हूँ। हाथी को स्नान करते देखा है? हाथी कैसे स्नान करता है? हाथी, हम लोगों ने ये देखा है, हमारे घर के पीछे एक सरोवर था और हम देखा करते थे कि उसमें कभी कभी हाथी घंटों भर घुसे रहते थे, खूब स्नान करते हैं, खूब जलकेली करते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद सबसे पहला काम हाथी क्या करते हैं? अपने सूंड के अंदर वे धूल को भरते हैं और धूल को भरने के बाद फिर से अपने ऊपर डाल देते हैं, फिर से धूल डाल लेते हैं अपने शरीर में। तो ऐसे घंटे भर स्नान करने का क्या लाभ जब फिर से अपने शरीर को गंदा कर लिया? तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ जिसको करने के बाद पुनः पाप कर बैठे? अभी तो ऐसी प्रथा नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में ऐसी प्रथा थी कि अगर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का पाप हो जाता था जाने अनजाने में, यहाँ तक कि यदि अनजाने में कोई किसी बिल्ली को भी मार दे, तो साधु पुरुषों के पास जाते थे और साधु पुरुषों के पास जाने के बाद पूछते थे कि हमसे इस प्रकार का पाप हो गया है, बताइए इसके लिए क्या प्रायश्चित है, शास्त्र क्या कहता है, किस प्रकार से हम प्रायश्चित करके इस पाप के फल से बच सकते हैं। तो विद्वान जन पोथी पत्र देख के, शास्त्रों को देख कर बताते थे कि इस पुराण के अनुसार, इस शास्त्र के अनुसार इस पाप का प्रायश्चित ये है, अगर आप ये कर लें तो आप प्रायश्चित से बच जाएंगे। प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है कि इसी जन्म में वो अपना प्रायश्चित कर ले, इसी जन्म में निश्चित रूप से प्रायश्चित कर लेना चाहिए अगर किसी प्रकार का पाप हो गया है, और उसके बाद भगवत धाम जाने का प्रयास करना चाहिए कि किस प्रकार से हम भगवान के धाम जाएं भगवान की भक्ति करके। तो इस प्रकार की बातों को जब सुना सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज के मुखारविंद से, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा और वो इस प्रकार से कहते हैं, श्री बादरायणी रुवाचः। बादरायणी अर्थात बादरायण के पुत्र, बादरायण अर्थात व्यासदेव, व्यासदेव जी के पुत्र बादरायणी अर्थात सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के इस प्रकार के मन की बातों को, मन की धारणाओं को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा
इन्होंने अनुमोदन किया है शास्त्र की कितनी अच्छी बात को, इन्होंने कहा क्यों ना कहें, ये परीक्षित महाराज हैं कौन, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। परीक्षित महाराज, भगवान के साथ इनका क्या संबंध है? परीक्षित महाराज वो हैं जिन्होंने गर्भ में, पेट में, अपनी माता के पेट में रहकर, उत्तरा के गर्भ में रहकर भगवान का दर्शन कर लिया था। जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था तो भगवान गर्भ में गए थे रक्षा करने के लिए परीक्षित महाराज की। एक हाथ में तलवार लिए थे, एक हाथ से गदा घुमा रहे थे, और इस प्रकार से वे गर्भ का चक्कर भी काट रहे थे अंदर। तो परीक्षित महाराज ने गर्भ के अंदर ही भगवान को देख लिया था, और बाहर निकलने के बाद वे ढूंढते रहते थे कि मैंने जिन्हें गर्भ में देखा था वो कहाँ है। इसलिए उनका नाम पड़ा, परीक्षण करने के कारण परीक्षित पड़ा। तो इसलिए परीक्षित महाराज जो गर्भ में ही भगवान का दर्शन कर चुके हैं, साधु संग इत्यादि करते रहते हैं, भगवान के बहुत प्रिय हैं। और भगवान के साथ उनका क्या संबंध है? परीक्षित महाराज अभिमन्यु के पुत्र हैं, और अभिमन्यु भगवान के भांजे हैं, बहुत प्रिय हैं, भगवान के शिष्य भी हैं। भगवान, सात्विकी इत्यादि सब मिलकर अभिमन्यु को अस्त्र शस्त्र शिक्षाएं देते थे, युद्ध कला, युद्ध कौशल सिखाते थे, नीति सिखाते थे, ज्ञान देते थे। तो भगवान के भांजे, भगवान के शिष्य के पुत्र हैं। इनके पितामह कौन है? इनके पितामह हैं अर्जुन, जो भगवान के सखा हैं। भक्तों सिमे सखा चेती, बहुत बड़े भक्त हैं और बहुत बड़े सखा हैं। इस प्रकार से परीक्षित महाराज, इनका बहुत अधिक संबंध है, बहुत निकटतम संबंध है भगवान के साथ में। तो परीक्षित महाराज क्यों ना इस तरह की विद्वत्ता की बातें कहेंगे? तो इन बातों को सुनकर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, तपसा ब्रह्मचर्येण दमेन च समेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। बहुत अच्छी बात कही तुमने। वास्तव में पाप को कई प्रकार से नष्ट किया जा सकता है। पाप को नष्ट करने के बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय है तपस्या, तपस्या करके पापों को नष्ट किया जाता है। तपसा ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य का पालन करके पापों को नष्ट किया जाता है। ऐसा कहते हैं विद्वान जन कि अगर कोई ब्रह्मचारी रह जाए जीवन भर, तो इसका अर्थ है कि उसने 90% काम कर लिया और 10% भगवान की भक्ति करना बाकी है, मोक्ष प्राप्ति के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, वैकुंठ दर्शन के लिए। तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च, समेन का अर्थ होता है मन को वश में करना, दमेन च अपने इंद्रियों को वश में करना, त्याग। और एक उपाय है पापों को नष्ट करने का त्याग। त्याग का अर्थ है कि दान इत्यादि देना। यदि कोई दान देता है तो वो त्याग करता है, धन का त्याग करता है, या इस संसार में इंद्रिय तृप्ति की वस्तुओं का त्याग कर देना। तो इस प्रकार से त्याग से युक्त जीवन को व्यतीत करना, इससे भी पाप नष्ट होते हैं। त्यागेन सत्य शौचाभ्याम, सत्य कहना, सदैव सत्य कहना, शौचाभ्याम पवित्र रहना, केवल बाहर से नहा धोकर पवित्र नहीं रहना बल्कि अंदर से भी पवित्र रहना। तो पवित्र रहना,
सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा। जितने भी नियम हैं उनका पालन करना और जो बातें नहीं करना है उनका भी पालन करना, उनको नहीं करना उन बातों को, इसको कहते हैं यम नियम। किसी भी कार्य को करने के लिए, भक्ति भी करने के लिए कुछ यम है कुछ नियम है। 16 माला जप इत्यादि करना, सुबह जल्दी उठ जाना, भगवान की कथा को कहना, भगवान की कथा को सुनना, और ये नियम है। और कुछ यम भी है। यम तो यम क्या है? यमेन नियमेन वा। तो यम है इसका अर्थ जिन बातों को नहीं करना है, चार जो पाप हैं उन्हें नहीं करना, तो ये हो गए। और देह वाग बुद्धिजम धीरा, धीर मनुष्य कौन है जो धीर रहकर देह वाग अपने शरीर से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से धर्म के कार्य करते हैं, वो धीर हैं। श्रील रूप गोस्वामी भी उपदेशामृत में ऐसा कहते हैं कि धीर कौन है। वाचो वेगम मनसह क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विसहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सस्यस्यात्। वाचो वेगम, जो अपनी वाणी के वेग को वश में करे। संसार में हर व्यक्ति बोलना चाहता है, जहां समय मिलता है जैसे समय मिलता है लोग बोलने लगते हैं। इस बात को बोलने का क्या प्रभाव पड़ेगा ये सोचे बिना बोलना चालू कर देते हैं। तो वाचो वेगम मनसह, जो अपने मन के वेग को कंट्रोल कर सकता है, वाणी के वेग को कंट्रोल कर सकता है, जो क्रोध को कंट्रोल कर सकता है, क्रोध वेगम। जिह्वा वेगम, जिह्वा का वेग भी बहुत भयंकर है, खाने पीने में जो कंट्रोल कर सकता है। उदर उपस्थ वेगम, जो पेट को और जननेन्द्रियों के वेग को कंट्रोल कर सकता है वो वास्तव में धीर कहलाता है। जो धीर धर्मज्ञ हो गए हैं, धर्म का पालन करते हैं, और कैसे? श्रद्धयान्वितः, श्रद्धा के साथ धर्म का पालन करते हैं। ऐसा नहीं कि किसी डर के कारण, अरे अगर हम इस धर्म का पालन नहीं करेंगे तो हमें नरक में जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे भी करें तो अच्छा है, लेकिन भगवान में श्रद्धा रखकर, शास्त्रों में श्रद्धा रखकर, धर्म कार्यों में श्रद्धा रखकर, जो देह वाग बुद्धि जम अपने मन वाणी कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, जो सेवा करें, जो धर्मज्ञ रहें, तो छिपंती अघम महदपी, निश्चित रूप से बड़े बड़े महान से महान पापों को भी वो नष्ट कर सकता है। छिपन्ति अहकम महदपि। लेकिन ये किस तरह से है? अगर भगवत भक्ति से शून्य हो तो वेणु गुल्म इवानला, तो उस प्रकार से है जैसे कभी कभी देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं कहीं बहुत अधिक बांस के पेड़ लगे होते हैं, बैम्बू ट्रीज होते हैं कहीं कहीं बहुत अधिक, कुछ जंगल होते हैं पूरे बैम्बू ट्री के, तो वहां पे अगर आग लगा दी जाए तो कुछ समय के बाद देखेंगे कि सब जल के भस्म हो गया। तो ऊपर से तो बांस सब जल के भस्म हो गए, लेकिन जैसे ही वर्षा होती है, पानी गिरता है ऊपर से, तो फिर से वो निकल आते हैं, फिर से बांस के वृक्ष निकलने लगते हैं। क्यों? अंदर जड़ समाप्त नहीं होती है, इसलिए। तो इन सारे नियमों का पालन करना, तपसा ब्रह्मचर्येन शमेन चा दमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देह वाग बुद्धिजम धीरः,
धर्मज्ञः श्रद्धयान्वितः, तो ये सब पापों को नष्ट करते हैं। छिपन्ति महदपि, महान, बड़े बड़े से महान अघम उन सब पापों को नष्ट कर देते हैं। लेकिन वेणु गुल्म इवानल, किस प्रकार से, जिस प्रकार से बांसों को बाहर से जलाया जाए लेकिन अंदर से जड़ रह जाती हैं, तो पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट नहीं होती है, वो पाप करने की जो हृदय में डिजायर है वो नष्ट नहीं होती है। और सब समय आता है तो मनुष्य फिर से पाप कर बैठता है, तो नरक की तरफ फिर से आगे बढ़ने लगता है। तो ऐसे एटोनमेंट का वास्तव में परीक्षित जी कोई लाभ नहीं है, आपने बिल्कुल सत्य कहा, ऐसा सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं। लेकिन बाद में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं फिर क्या करें, फिर करने के लिए क्या करनीय है, तो केचित केवलय भक्त वासुदेव परायण, केवल और केवल केचित केवलया भक्त्या मनुष्य भक्ति करें, भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें, भगवान श्री कृष्ण की केवल भक्ति करें। केवला भक्ति का अर्थ क्या होता है, ये भी श्रील रूप गोस्वामी जी ने उपदेशामृत में बताया है, भक्ति रसामृत सिंधु में बताया है कि केवलया भक्त्या क्या है, केवलया भक्ति क्या है। तो केवलया भक्ति का अर्थ है अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तम। अन्याभिलाषिता शून्यम, जब हृदय में एक ही इच्छा हो, इच्छा क्या, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा, भगवान श्री कृष्ण क्या चाहते हैं वैसा करने की इच्छा, अनुकूल लेना कृष्णानुशीलनम, वो उत्तम भक्ति है, वो केवला भक्ति है। तो वासुदेव परायण, जो किसके लिए हो, वासुदेव के परायण हो, वासुदेव में जो हमारा समर्पण करे वो वास्तव में केवल भक्ति है। ऐसी भक्ति करने से अघम धुनवंती कात्स्नेन, निश्चित रूप से सारे के सारे पाप नष्ट होते हैं। पाप तो नष्ट होते हैं लेकिन साथ में पाप करने की डिजायर, पाप करने की इच्छा भी नष्ट हो जाती है। फिर कोई मनुष्य भूल कर भी पाप नहीं करता है, तो कात्स्नेन अर्थात पूर्णतया पाप और पाप करने की इच्छा ये सब के सब समाप्त हो जाते हैं। किस प्रकार से, निहार में वो भास्कर, निहार निहारम इव भास्कर, जिस प्रकार से भास्कर, भास्कर का अर्थ क्या है, भास्कर किसका नाम है, ये भास्कर सूर्य देव का एक नाम है। और निहार, निहार कहा जाता है कोहरे को, फॉग, सुबह सुबह ठंड के समय में हम लोग देखते हैं कि चारों तरफ कोहरा छाया होता है, बहुत घना कोहरा। लेकिन जैसे ही सूर्य उत्पन्न होता है तो सूर्य उत्पन्न होते ही उस कोहरे को पूरी तरह से नष्ट कर देता है, पूरी तरह से समाप्त कर देता है। उसी प्रकार जब हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह से अगर कोई मनुष्य, कोई जीव भगवान की भक्ति करता है तो पाप भी नष्ट होता है और पाप करने की इच्छा भी नष्ट होती है। निहार में भास्कर, तो इसलिए मनुष्य को वास्तव में भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति करने का क्या उपाय है, इस कलयुग में कैसे भगवान की भक्ति की जाए, भगवान की भक्ति करने का एक बहुत सरल उपाय बताया गया है श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद में। कहा गया है कि एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति, कि किसी भी प्रकार से एतावान् सांख्य योगाभ्याम,
चाहे सांख्य का ज्ञान, सांख्य का पालन करके, योग लगा के, समाधि लगा के, स्वधर्म, अपने स्वधर्म का पालन करके, है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मणत्व का पालन करने से, क्षत्रिय धर्म का पालन करने से, शूद्र, वैश्य, किसी भी प्रकार से स्वधर्म परिनिष्ठा या अपने स्वधर्म का पालन करने से, भगवान की भक्ति करने से, किसी भी प्रकार से क्या होना चाहिए? जन्म लाभा परम पुंसाम, पूरे जीवन का लाभ क्या है, परम लाभ क्या है? अंते नारायण स्मृति, कि जीवन के अंत में नारायण की स्मृति हो, जीवन के अंत में कोई भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करे, श्री रामचंद्र जी का ध्यान करे, ये वास्तव में परम लाभ है। इसके लिए मनुष्य को अग्रसर होना चाहिए। और ये कैसे होगा? जब हम हमेशा हर समय भगवान का नाम जप करेंगे ना, किसी भी समय किसी भी अवस्था में जब हम भगवान का नाम जप करेंगे, क्या नाम? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब इस नाम जप को हम सब निरंतर करते रहेंगे, भगवान का चिंतन करते हुए, भगवान की कथाओं को जीवन भर सुनते हुए, तब हमें जीवन के अंत में भगवान की स्मृति होगी। तो इसी बात की पुष्टि करने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण देते हैं। ऐसा नहीं है कि परीक्षित महाराज इस कथा को पहले से नहीं जानते थे, इस उदाहरण को पहले से नहीं सुना था। वो तो हमेशा साधुओं का संग करते रहते थे, हमेशा साधुओं के साथ में रहते थे, तो इस कथा को उन्होंने बारंबार सुना था, कई बार सुना था, लेकिन उसके बाद भी हाथ जोड़कर बैठ गए कि हाँ ठीक है, आप हमें अजामिल की कथा सुनाइए, आप हमें अजामिल के विषय में कुछ बताइए। परीक्षित महाराज को देखकर सुखदेव गोस्वामी को बड़ा अच्छा लगा, उनकी जिज्ञासा, उनके उत्साह को देखकर। तो इसलिए उसी उत्साह से सुखदेव गोस्वामी कीर्तन करने लगे, भगवान की कथा सुनाने लगे। वे कहते हैं कि मैं तुम्हें अजामिल का इतिहास सुनाता हूँ। बहुत समय पहले एक नगर में, उस नगर का नाम था कानकुब्ज। आज उस जगह को कन्नौज नाम से जाना जाता है, कन्नौज, लेकिन पहले इस स्थान का नाम था कानकुब्ज। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कानकुब्ज नाम के ब्राह्मण रहा करते थे। वहाँ पे भरद्वाज जी ने कानकुब्ज नाम के ब्राह्मणों को बसाया था। कई बार तो ब्राह्मणों में भी भेद होता है, कोई कहता है हम कानकुब्ज हैं, हम बड़े हैं, तुम सरजू पारी हो, तुम छोटे हो। कभी कभी कानकुब्ज कहते हैं हम कानकुब्ज ब्राह्मण हैं, हम सरजू पारियों में विवाह नहीं करते हैं। क्यों? सरजू पारी छोटे होते हैं, छोटे ब्राह्मण हैं। यदि इस प्रकार का भाव आ गया, अरे ब्राह्मण का लक्षण क्या है, ब्राह्मण का धर्म क्या है? ब्राह्मण वो है पंडिता समदर्शिना, जो सबको समान दृष्टि से देखे। लेकिन ब्राह्मणों में भी जो भेद करे, काहे का ब्राह्मण? ऐसे तो शास्त्र कहता है जन्मना जायते शूद्रः। इस जन्म से हर मनुष्य शूद्र होता है, जन्मना जायते शूद्रः ना। जन्म जब मनुष्य ने लिया तो उसे क्या पता होता है, क्या जानता है? तो कलयुग में सब मनुष्य जन्म से शूद्र हैं। पहले के समय में तो ठीक है, लोग ब्राह्मण के कुल में जन्म लेते थे, इसका मतलब है पता चल जाता था कि इसमें ब्राह्मण तो आएगा ही, इसे वेद पढ़ाए जाएंगे। लेकिन आजकल ना ब्राह्मणों के कुल में भी जन्म लेके लोग मांस खाते हैं, तो क्या वो ब्राह्मण है? नहीं, वो ब्राह्मण नहीं है, वो तो शूद्र से भी गए गुजरे हैं। जन्म ना जायते शूद्रः, जन्म से
हर मनुष्य शूद्र होता है। संस्कारात् भवेत् द्विजः, जब संस्कार होता है, जनेऊ पहनाया जाता है, यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, तब वो द्विज बनता है। संस्कारात् भवेत् द्विजः। वेदे पठेत भवेद विप्रो, और वेद पढ़ के कोई विप्र बनता है? यदि किसी ने वेद का अच्छे से पाठन किया है ना, ऐसे नहीं कि ऐसे ही त्रिवेदी हो गए जन्म से, चतुर्वेदी हो गए, द्विवेदी हो गए। पहले के जमाने में जो लोग दो वेद पढ़ते थे उनको द्विवेदी कहा जाता था, जो तीन वेद पढ़ते थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था, और जो चारों वेदों का ज्ञान रखने वाले थे उनको चतुर्वेदी कहा जाता था। लेकिन आजकल तो जन्म से किस परिवार में लिया, और उसमें भी अहंकार होता है, एक वेद नहीं जानते हैं, वेद की एक बात को नहीं जानते, लेकिन हम चतुर्वेदी हैं। जन्म ना जायते शूद्र, अरे भाई जन्म से सब शूद्र हैं। तो ब्राह्मण कौन है फिर, किसे कहेंगे कोई कोई ब्राह्मण है? ब्रह्म जानेति ते ब्राह्मणा, जो भगवान को जानता है, जो जानता है कि सारे वेदों के तात्पर्य, सारे वेदों के अर्थ, वेद ये भगवान है। वेद पढ़ना, शास्त्र पढ़ना, इसका अर्थ है कि भगवान के विषय में जानने की जिज्ञासा करना, भगवान को जानना। तो जो कृष्ण को जानने का प्रयास करता है, भगवान को जानने का प्रयास करता है, और अपना संबंध भगवान के साथ स्थापित करता है, उसको वास्तव में ब्राह्मण कहा जाता है, वो ब्राह्मण है। तो कन्नौज में, कानकुब्ज में एक ब्राह्मण परिवार था, और ब्राह्मण माता पिता से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम था अजामिल। सारे शास्त्रों में पारंगत, वेदों के नियमों को जानने वाला और जान के उसका पालन करने वाला, जो तपसा ब्रह्मचरेण समेन चा दमेन चा त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन वा देह वाग बुद्धिजम धीरा धर्मज्ञ श्रद्ध्यान्विता। तो इस प्रकार से सभी धर्म के नियमों का वे पालन करने वाले थे अजामिल। प्रतिदिन जाते थे अपने पिता की आज्ञा का पालन करके, पिताजी की पूजा में सहयोग देने के लिए जंगल जाते थे, पुष्प लेकर आते थे, समिधा लेकर आते थे, कुश लेकर आते थे, दूबा लेकर आते थे, और आके पिताजी के साथ बैठकर पूजा करते थे, वेद पाठ करते थे, दूसरों को भी वेदों का ज्ञान बताते थे। इतने अच्छे ब्राह्मण। लेकिन एक दिन की बात है कि वे जंगल गए अपने पिता की आज्ञा का पालन करके, पूजा के लिए दो प्रकार के ग्रास लेने के लिए, दूबा कुश इत्यादि ग्रास लेने के लिए, समिधा इत्यादि लेने के लिए जंगल गए। आने में कुछ देर हो गई, तब तक उन्होंने देखा जंगल में एक नीच जाति का पुरुष, क्योंकि उस समय उच्च जाति के लोग किसी प्रकार का अपराध इत्यादि नहीं करते थे, तो एक नीच जाति का पुरुष एक वैश्या का संग कर रहा था। तो कुछ देर तक वो देखने लगे, और देखकर उनका हृदय आकर्षित हो गया उस तरफ, और एक पेड़ के नीचे छिपकर, पेड़ के पीछे छिपकर बारंबार उनकी तरफ देखने लगे। तो देखिए, यहाँ से पतन होता है मनुष्यों का। देखकर, यदि पापों को देखा जाए तो देखकर पतन होता है। आज के लोगों के विषय में क्या कहा जाए कि जो दिन भर दिन रात टेलीविज़न देखते रहते हैं, और उस टेलीविज़न में क्या दिखाया जाता है, यही गंदगी दिखाई जाती है, किस तरह से नीच स्त्री, नीच पुरुष एक दूसरे का संग करते रहते हैं, यही बताया जाता है। तो इस संसार में हजारों लाखों करोड़ों अजामिल चारों तरफ भरे हुए हैं, जिनका पतन हो गया है, हो रहा है और होने वाला है इस टेलीविज़न को देखकर।
कभी जब घर आए अजामिल, लाकर अपने पिता को कुश ग्रास इत्यादि दिया, समिधा इत्यादि दी, लेकिन उनकी मति भगवान में धर्म में अब लग नहीं रही थी। रह रह कर उनको उसी वेश्या का चिंतन होता था, उसी दृश्य का चिंतन होता था। रात में उनको निद्रा नहीं आई। दूसरे दिन वो उठे और उनका हृदय बहुत विचलित था। वे गए और जाके उस वेश्या को अपने घर लेकर आ गए। संक्षेप में आपको इस कथा के विषय में बताने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि आपने इस कथा को बारंबार सुना है। उस वैश्य को घर में लेकर आ गए, वैश्य को घर में लेकर आ गए, लेकिन पहले ही इनका विवाह हो गया था। घर में बहुत सुशील ना पांडित्य धर्म का पालन करने वाली ब्राह्मणी थी, लेकिन वैश्या को घर लेकर आ गए और वैश्या का पालन पोषण करने लगे। माता पिता ने विरोध किया कि अरे इस वैश्या को क्यों घर लेकर आए हो, तो उन्होंने माता पिता को घर से निकाल दिया, पत्नी को भी घर से निकाल दिया, और इस वैश्या की इच्छाओं की पूर्ति किया करते थे। वैश्या क्या चाहेगी, वैश्या को क्या चाहिए? वैश्या धन से प्रसन्न होती है, वैश्या को तो धन चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा श्रीमद् भागवतम के महात्म में, धुंधुकारी भी पांच वैश्याओं को लेकर आ गया था, और पांच वैश्याएं वो क्या चाहती थी, वो तो धन चाहती थी। तो धुंधुकारी भी चोरी करता था, डाका डालता था, लोगों को किडनैप करता था, किसी भी प्रकार से वो धन लेकर आता था और उन पांचों वैश्याओं को प्रसन्न रखता था, खुश करने का प्रयत्न करता था। और उन पांच वैश्याओं ने सोचा, अरे इतना धन लेकर आता है, लोगों को मार पीट कर, लोगों का मर्डर करके, किडनैप करके इतना धन लेकर आता है, राजा को एक ना एक दिन पता चल जाएगा और राजा सारा धन ले जाएगा, हम लोगों को भी यहाँ से निकाल देगा, इसको भी बंदी बना देगा। तो उन पांच वैश्याओं ने मिलकर उस धुंधुकारी को मार दिया, उसका वध कर लिया धन के लिए। तो वैश्याएं धन चाहती हैं। उसी प्रकार से अजामिल भी जिस वैश्या को लेकर आया था, वो भी धन चाहती थी। तो कहती थी, मेरे लिए कान के सोने के बाले लाइए, है ना, ये हार अब पुराना हो गया, आप कोई नया हार मेरे लिए लेकर आइए। तो अजामिल भी पाप करने लगा, अजामिल चोरी करने लगा, बड़े बड़े डाके डालने लगा, डाकू बन गया, लोगों को किडनैप कर लेता था, पैसे की लालच से बांध लेता था कि जब तक पैसे नहीं दोगे हम नहीं छोड़ेंगे। तो बहुत प्रकार के अनिष्ट कर्मों को करके, कुकर्म को करके वे पैसे बटोर के लाता था और लाके उस वैश्या को खुश रखता था। और उस वैश्या से अजामिल ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। यहाँ तक कि जब वह अजामिल 88 वर्ष का था, 88 years का था, उस समय भी उसने उससे एक पुत्र उत्पन्न किया। मनुष्य यदि जीवन में कोई अच्छा काम कर ले, भक्ति कर ले, तो वो नष्ट नहीं होती है। अजामिल जैसे पापी ने पहले कुछ ना कुछ तो किया था, पहले भगवान में अपना मन लगाने का प्रयास किया था, तो इसीलिए वो भक्ति नष्ट नहीं हुई। क्षिप्रम भवत धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजाने ही नामे भक्त प्रणश्यति। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, नामे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का नाश नहीं होता है। स्वल्पम अपि धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, यदि कोई थोड़ा भी धर्म का कार्य करे तो बड़े से बड़े भय से रक्षा होती है। तो 88 वर्ष की उम्र में उसने वैश्या से एक पुत्र उत्पन्न किया, लेकिन स्वल्पम धर्मस्य त्रायते महतो भयात्, धर्म के कारण, पूर्व में किए गए धर्म के कारण उसने उस पुत्र का नाम नारायण रख दिया, नारायण। तो बारंबार कहता रहता था, नारायण यहाँ आओ,
नारायण इस वस्तु को खा लो, नारायण मेरे लिए पानी लेकर आओ। हम लोग देखते हैं कि लोगों का प्रेम छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। तो एक छोटा पुत्र था तो बहुत प्रेम था। नारायण मातुः अंकात् ममांकम् आगच्छ, माता के अंक से उठो और मेरे अंक में आओ, मेरे पास आकर बैठो। भागवत में लिखा गया है कि भुंजानः खाते समय, प्रपिबन कुछ पीते समय, बार बार नारायण का नाम लेता था। नारायण खा लो, नारायण आओ मेरे साथ बैठो, पानी पी लो, मेरे लिए पानी लेकर आओ। खादन खाते समय नारायण की याद करता। बालकम स्नेह यंत्रितः, स्नेह यंत्रितः, एक स्नेह यंत्र, इस तरह से प्रेम की ग्रंथि जुड़ी होती है संबंधियों के साथ में, ना एक मशीन के समान। तो प्रेम से बार बार भोजयन पाययन, अपने हाथ से खिलाना, अपने हाथ से पिलाना। नारायण ये पी लो, नारायण ये खा लो, ना मूढ़ो ना वह मूर्ख अजामिल, नहीं जान पाया वेद आगतम अंतकम, अपना अंत ना वेद, नहीं जान पाया कि मेरा अंत निकट आ गया है, इस बात को वह नहीं जान पाया, अजामिल नहीं जान पाया। मृत्यु ऐसा लिखा गया शास्त्र में कि हमारे सिर में बैठी है, हमारे बाल पकड़ के सिर में बैठी है। इसका अर्थ है कि किसी भी समय मृत्यु आ सकती है, किसी भी समय मृत्यु आके हमें, मृत्यु रूपी सर्प आके हमें डस लेता है। इसलिए एतावान सांख योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ परम पुंसाम अंते नारायण स्मृति। इसलिए हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अंत में भगवान नारायण की स्मृति के लिए प्रयास करे। श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा गया है, ऐसा लिखा गया कि यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। मनुष्य यम यम वापी स्मरण भावम, जिस जिस प्रकार के भाव को हृदय में लेकर आता है, कलेवरम इस कलेवर इस शरीर को छोड़ते समय, वही भाव से मृत्यु के बाद प्राप्त होता है। मान लीजिए कि कुत्तों से प्रेम करने वाले जीवन के अंत में कुत्तों के विषय में सोचेंगे, और सोचते भी हैं, ऐसे बहुत से लोग हुए हैं जो अंत में, जीवन के अंत में कहते हैं, अरे मेरे मरने के बाद मेरे इस डॉगी का क्या होगा, तो अगला जीवन वो तैयार करते हैं डॉग के रूप में, कुत्ते के रूप में, अगले जन्म में वो कुत्ता बन जाएंगे। और हम हमेशा कहते हैं कि जरूरी नहीं है वो न्यूजीलैंड का कुत्ता बनेंगे, हो सकता है कि वो किसी भारत के गांव का कुत्ता बन जाए जहाँ उनको बहुत लाठी पड़े। इसलिए साधु सावधान, यदि किसी को अपनी स्त्री से बहुत प्रेम है और मरते समय वो अपनी पत्नी का चिंतन करेगा तो वह अगले जन्म में स्त्री बन जाएगा। किसी स्त्री का पुरुष से प्रेम है और अगले जन्म में उसका चिंतन करते हुए शरीर छोड़ा तो अगला जन्म में वो पुरुष शरीर को प्राप्त करेगा। जिसका जैसा चिंतन वैसा उसका अगला शरीर बनता है। इसलिए शास्त्र कहता है अंतः काले चामामेव, भगवान भगवद गीता में ऐसा कहते हैं कि अंतः काले चामामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अगर कोई अंत काल में शरीर छोड़ते समय मेरा चिंतन करते हुए शरीर त्यागता है तो वो मेरे पास आता है। अर्जुन, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। भगवान इस प्रकार से भगवद गीता में बताते हैं। तो उद्देश्य ये होना चाहिए कि बहुत प्रयत्न करें, ऐसा नहीं कि हम कुछ भी करेंगे और जीवन के अंत में कृष्ण का चिंतन कर लेंगे, याद कर लेंगे, ऐसे याद नहीं आएगी कृष्ण की। उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास योग युक्तेन
चित सानन निकामिना, अभ्यास करना पड़ेगा हरे कृष्ण महामंत्र को जपने का। प्रतिदिन 16 माला करके प्रयास किया जाता है कि हम और अधिक भगवान का नाम जपें, और अधिक भगवान का नाम जपें, और जीवन के 24 घंटे हम कृष्ण का चिंतन करते रहें। इस तरह से जो प्रयास करेगा उससे अंत में कृष्ण का चिंतन होगा और वह भगवत धाम जाएगा। एक कथा है, एक बार एक व्यक्ति वो अपना शरीर त्याग दिए, गुजरात के थे, अपना शरीर त्याग दिए। तो उनके परिवार के लोगों ने नैमिषारण्य में बहुत बड़ा फीस्ट किया। तो हमारे हरे कृष्णा आंदोलन के कुछ भक्त उस फीस्ट में गए थे, भाग लिए थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए वहाँ गए। उन्होंने भक्तों को देखा तो उन्होंने कहा आप भी आएँ और आकर प्रसाद ग्रहण करें, जिससे हमारे बापू को संतुष्टि हो, उनकी आत्मा को शांति मिले। तो उन्होंने पूछा कि आप गुजरात में रहते हैं, आप लोग गुजरात में रहते हैं? हाँ, हम गुजरात में रहते हैं। तो बहुत अच्छा फीस्ट खिलाया गया सब लोगों को, और फीस्ट कराने के बाद सबको एक कोको कोला की बोतल दी गई, सबको एक एक कोको कोला डिस्ट्रीब्यूट किया गया। तो भक्तों के हृदय में जिज्ञासा हुई, अरे इतना बढ़िया फीस्ट किया, सब कुछ बढ़िया था, पूरी सब्जी हलवा सब खिलाया, खीर खिलाई, लेकिन ये कोको कोला की बोतल, कोको कोला की बोतल, ये तो जनरली साधु समाज में दी नहीं जाती है, तो ये क्यों बांटी जा रही है, क्या बात है? तो जिज्ञासा के कारण एक भक्त ने पूछा कि आप ये कोको कोला क्यों बांट रहे हैं, जूस दे सकते हैं, पानी दे सकते हैं, लेकिन कोको कोला सबके लिए, क्या आपकी कोको कोला की फैक्ट्री है? तो उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमारे बापू वो भोला के भक्त थे लेकिन कोको कोला बहुत पीते थे, और जब वो मरने वाले थे तो हम लोगों ने कहा बापू बोलो भोला, हम सब ने कहा, परिवार वालों ने मिलकर, बापू बोलो भोला, बापू बोलो भोला। लेकिन बापू बोले तो क्या बोले, बापू बोले कोको कोला। तो इसीलिए हम लोग कोको कोला बांट रहे हैं। हम जान गए कि बापू की इच्छा थी कि मरने के बाद सबको कोको कोला बांटा जाए, तो हम कोको कोला बांट रहे हैं। तो देखिए, जीवन में जो ज़्यादा व्यक्ति करेगा मरते समय वही चिंतन होगा। तो कह रहे थे बापू बोलो भोला, और उनको सुनाई पड़ रहा था कोको कोला, तो उन्होंने कह दिया कोको कोला, क्योंकि जीवन में उसी से प्रेम था, बिना उसको पिए उनको नींद नहीं आती थी, चैन नहीं मिलता था। तो जो भी है, मनुष्य ऐसा प्रयत्न करे, ऐसा कार्य करे जीवन के हर क्षण में कि जीवन के अंत में भगवान का चिंतन हो। ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्ते कर्म कृत, कार्यते है वसह कर्म गुणः स्वाभाविकैर्बलात्। कोई मनुष्य जीवन में एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। देखिए, इस बात को लिखा गया है श्रीमद् भागवतम में, यही छठवा स्कंद है, वर्स नंबर 53। ना ही तिष्ठति, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्ते कर्म कृत, मनुष्य एक क्षण भर भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है। कार्यते ही अवसह कर्म, ऐसा लगता है कि जबरदस्ती मनुष्य को कर्म में लगाया जा रहा है, स्वाभाविकैर बलात्, जबरदस्ती मनुष्य को गुण ही प्रकृति के गुणों के कारण कर्म में लगा दिया जाता है। और इसी तरह का एक श्लोक भगवद गीता में भी आया है, श्रीमद् भागवतम का जो श्लोक है उसमें लिखा गया है गुण ही स्वाभाविकर ही बलात्, और भगवद गीता में सर्व प्रकृतिर जैर गुण है, कि मनुष्य कर्म करता है प्रकृति से जन्मे हुए गुणों के प्रभाव में आकर। तो इस तरह अजामिल जीवन भर बहुत पाप किया था,
बहुत पाप किया था, जीवन भर उसने पाप ही किए थे। कुछ होते हैं पातक, कुछ महापातक और कुछ अति पातक, बहुत पापी व्यक्ति। तो ये अजामिल उसी श्रेणी में था, अति पातक, बहुत अधिक पापी था। तो ये जान नहीं पाया कि इसकी मृत्यु आ गई है, मृत्यु बहुत निकट है, इस बात को अजामिल जान नहीं पाया, समझ नहीं पाया। एक दिन लेटा हुआ था, तब तक अजामिल को तीन दूत दिखने लगे यमराज के, बहुत भयंकर, बहुत भयंकर थे। उनकी दांत निकले हुए थे बाहर, नाखून बड़े बड़े थे, बाल ऊर्ध्वपुंड ऊपर की तरफ थे, खड़े हुए थे उनके बाल, तो बहुत भयंकर। यमराज के तीन दूत वे रस्सी लेकर आए थे अजामिल की आत्मा को बांधने के लिए, जो हृदय में आत्मा है उसे निकाल कर बांध कर ले जाना चाहते थे। तो जब आकर ले जाने लगे, तब अजामिल प्रेमवश अपने पुत्र से पुत्र को पुकारने लगा, हा नारायण नारायण नारायण, मुझे बचाओ नारायण नारायण। तो अजामिल भगवान को नहीं पुकार रहा था, नारायण को, अजामिल अपने पुत्र का नाम ले रहा था, अपने पुत्र से कह रहा था कि नारायण नारायण, मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा, कौन तुम्हारा पालन करेगा, नारायण मुझे बचाओ। तो इस तरह से कई प्रकार के शब्द कह रहा था, लेकिन नारायण नारायण अपने पुत्र को याद करते हुए। तो तुरंत भगवान ने अपने चार दूतों को भेज दिया, यमराज के तीन दूत लेने के लिए आए थे और भगवान ने अपने चार दूतों को भेजा रक्षा करने के लिए। तो तुरंत चार भगवान के सुंदर पार्षद आ गए, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म इत्यादि लिए हुए थे, और वो मना करने लगे कि तुम इसे बंदी नहीं बना सकते हो। बहुत आश्चर्य हुआ यमराज के दूतों को कि अरे, हमारे कार्य में विघ्न डालने वाला कौन पैदा हो गया, आज तक किसी ने हमारे कार्य में बाधा नहीं डाली, हम इस पापी को लेने के लिए आए हैं यमराज जी की आज्ञा से, क्या आप नहीं जानते हैं कि ये कौन है, क्या आप नहीं जानते हैं कि इसने जीवन में कितने पाप किए हैं, कितने लोगों को मारा है, कितने लोगों का वध किया। अरे दिखने में तो आप ऐसे लगते हैं जैसे देवता हैं, देवताओं की तरह आपका स्वरूप है, आपका रंग है, आपकी चाल है, आपका देखना है बहुत सुंदर है, लेकिन बातें निकृष्ट हैं। इस पापी व्यक्ति को आप हमें नहीं ले जाने देना चाहते हैं, जो नरक का अधिकारी है, इसकी पापों की सजा देना हमारा कर्तव्य है, हमें यमराज जी ने इसका आदेश दिया है और आप हमारे कार्य में बाधक बन रहे हैं, ऐसा क्यों, शरीर देवताओं का लेकिन ये देवताओं के कार्य नहीं है। इस लीला में भगवान ने रक्षा की है अजामिल की। देखिए श्रीमद् भागवतम में जो 10 विषयों का वर्णन है उसमें से एक संरक्षण, तो भगवान रक्षा कर रहे हैं अजामिल की। इस बड़े पापी की रक्षा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उसने नारायण 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 कहा है, बहुत बार कहा है। तो भगवान के दूत समझाते हैं यमराज के दूतों को, कहते हैं सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलन मेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम असे साघ हरम विदुः। क्या तुम्हारे स्वामी यमराज जी ने तुम्हें नहीं बताया कि भगवान का नाम कैसे भी लिया जाए, सांकेत्यम संकेत में ले लिया जाए। ऑकलैंड में एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का नाम है रणछोड़ हाउस। जब आप लोग जाएंगे यहाँ से न्यू नॉर्थ रोड और सेंड्रिंगम रोड, तो आपको बिल्डिंग दिखाई देगी।
बिल्डिंग का नाम क्या है? रणछोड़ हाउस। तो कितने गोरे लोग देखते होंगे, वेस्टर्न लोग कितने देखते होंगे और पढ़ते होंगे रणछोड़ हाउस। लेकिन उन्होंने वो भगवान का नाम ले लिया, भगवान के नाम का उच्चारण कर लिया। तो भगवान ये नहीं देखेंगे कि उसने उस बिल्डिंग का नाम पढ़ा है, भगवान ये देखेंगे इसने रणछोड़ कहा है। डाकोर में कौन छे, राय रण छोड़ छे। एक और स्थान है, आप जाएंगे साउथ हैमिल्टन की तरफ आगे जाएंगे तो एक स्थान का नाम आता है रामा रामा। मान लीजिए कोई किसी से कहे टैक्सी वाले के पास आके, बोले हमें रामा रामा छोड़ देना, रामा रामा जाना है, तो उसे रामा रामा बोलने का फल मिल गया। अरे मरा मरा बोल के तुलसीदास जी, मरा मरा बोल के वाल्मीकि जी को ये पद प्राप्त हो गया। रत्नाकर नाम के डाकू थे पहले, लेकिन मरा मरा बोलते बोलते उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो जो रामा रामा सीधे किसी ने कहा, सांकेत्यम संकेत में भी अगर कोई भगवान का नाम ले ले तो वो असे साग हरम विदु, तो बहुत सारे पापों को नष्ट कर। परिहास्यम, परिहास में ना, मजाक में कोई भगवान का नाम ले ले, कोई कह ले कि अरे भाई तुम लोग ये महामंत्र जपते रहो, ये हरे कृष्णा हमसे नहीं होता है। से हंसी मजाक में बोले अरे ये तो पागल हो गए हैं, ये तो हरे कृष्णा वाले हो गए, ये तो हरि बोल हो गए हैं, उसमें ही कल्याण हो गया, ये बोलने में ही कल्याण हो गया। परिहास्यम वा स्तोभम। कुछ लोग वास्तव में भगवान के भजन गाने में उनकी रुचि नहीं होती है, लेकिन वो लोग कुछ संगीत सीखते हैं, हारमोनियम इत्यादि बजाना सीखते हैं, लेकिन किसी भजन के द्वारा सीखने लगते हैं हारमोनियम बजाना। तो संगीत के रूप में भी अगर कोई भगवान का नाम ले तो उसका भी कल्याण होता है। स्तोभम और हेलनमेव वा उपेक्षा के भाव से। हेलनमेव का अर्थ क्या? उपेक्षा। नेगेटिव कॉन्शियस से भी कोई, नेगेटिव कॉन्शियसनेस को लेकर भी कोई अगर भगवान का नाम ले ले, ऐसा सोचे कि नहीं हरे कृष्णा वाले तो ऐसा ही हैं, बेकार हैं, ऐसा भी कोई बोल दे बुरे भाव से, तो भी हरे कृष्णा तो कह दिया। तो हरे कृष्णा के बाद उसने क्या कहा उस पर भगवान ध्यान नहीं देंगे, उसने हरे कृष्णा कहा है इसको भगवान याद रखेंगे। सांकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम असे साग हरम विदु। तो इस प्रकार से भगवान के नाम का यदि कोई उच्चारण करे, सुने इसको कहे तो असे साग हरम विदु, तो वो अनेकानेक पापों को नष्ट करने वाला है। श्रीमद् भागवतम के अंत में क्या कहा गया है? पूरी श्रीमद् भागवतम को कह लेने के बाद अंत में, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। 12th कैंटो और चैप्टर 13 वर्स नंबर 23, उसमें कहा गया है कि नाम संकीर्तनम यस्य, अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो सब प्रकार के पापों से छुटकारा पा जाता है। प्रणामो दुख समना, और भगवान को प्रणाम कर ले तो सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। नाम ले लेने से सारे पाप समाप्त, प्रणाम कर लेने से सारे दुख समाप्त। असे साघ हरम विदुह तम नमामि हरिम परम। भगवान को नाम लेने से, भगवान का नाम लेने से, भगवान को प्रणाम करने से ये फल प्राप्त होता है। कली कालेर धर्म कृष्ण नाम संकीर्तन है ना। इस कलयुग का और कोई धर्म वैसे भी नहीं है, इस कलयुग का एक ही धर्म है और वो क्या है? हरि नाम संकीर्तन। और कृष्ण शक्ति बिना नहीं तार प्रवर्तन, और भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के बिना उसका प्रवर्तन भी नहीं होता है। यदि कोई
कोई भगवान का नाम करने में सक्षम है, कहीं भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है, तो किसके कारण? किसके कारण? भगवान की शक्ति के कारण। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेश्वा मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान कहते हैं नारद जी से कि हे नारद, मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। यद्यपि भगवान वैकुंठ में रहते हैं, कहते हैं कि मैं वैकुंठ में नहीं रहता हूँ। नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेश्वा। और जो लोग योगी लोग लगे हैं ध्यान धारणा समाधि लगाने में, उनके हृदय में भी नहीं रहता हूँ। फिर कहाँ रहते हैं? मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पे हमारे भक्त गाते हैं, तत्र तिष्ठामि, मैं वहाँ पर निवास करता हूँ, मैं वहाँ पर रहता हूँ। गोकोटिदानं ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास यज्ञायुता मेर स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तन सं सतं सहे। भगवान के नाम की महिमा तो देखिए। गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, चंद्र ग्रहण के समय, सूर्य ग्रहण के समय कोटि गौ दान करना। यदि ग्रहण के समय दान दिया जाता है तो कई गुना उसका पुण्य प्राप्त होता है। तो ग्रहण के समय करोड़ों गौओं का दान करना, गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य प्रयाग गंगोदक कल्पवास। प्रयाग में, गंगा के तट में, हरिद्वार में जाकर, बद्री नारायण में जाकर कल्प तक निवास करना, और मेरु पर्वत के समान स्वर्ण का दान करना। पर्वतों में मेरु पर्वत बहुत महान है, बहुत बड़ा है, तो मेरु पर्वत के समान विशाल स्वर्ण का दान कर देना। यज्ञायुता यज्ञ में, यज्ञायुता मेरु स्वर्ण दानम गोविंद कीर्तन समशतांश है। वो गोविंद के कीर्तन के शतांश का, सौवे भाग का एक भाग भी नहीं। ये भगवान के नाम की महिमा है। विष्णुदूत कहते हैं यमदूतों से, क्या तुम नहीं जानते हो कि मरते समय इसने नारायण कहा है? नारायण नारायण नारायण, और नारायण कहने से सारे पाप इसके समाप्त हो गए। तब आप इसे क्यों ले जाना चाहते हो? यह यमराज जी के लोक में या यमराज जी की आज्ञा से नरक में नहीं जाएगा, अब तो ये वैकुंठ जाएगा, वैकुंठ जाएगा। तो आप इसे लेकर, क्या आपके स्वामी ने, यमराज जी ने आपको नहीं बताया भगवान की महिमा को? आप जाकर उनसे पूछिए, आप इनको लेकर नहीं जा सकते हैं। और लेकर नहीं जाने दिया भगवान के दूतों ने, यमराज के दूतों को, अजामिल को छुड़ा लिया, छुड़ा लिया, और वे नहीं लेकर जा पाए।